सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनते हैं। जहां पर भी कुछ रोगी होंगे उनको हम प्रधानमंत्री आवास योजना से भी लाभान्वित कर रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्र में भी 15 लाख लोगों को हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना से आच्छादित कर चुके हैं। 2,61,00,000 परिवारों को एक एक शौचालय उपलब्ध करवा चुके हैं और लगातार इस पर कार्य चल रहा है। लेकिन जो बचे होंगे, चाहे वह कुछ रोग से पीड़ित हो, बनटांगिया गांव हो, कालाजार से पीड़ित हो, इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित हो या फिर किसी प्राकृतिक आपदा से पीड़ित हो, इन सभी लोगों को हम लोग इस योजना से लाभान्वित करके उन्हें भी एक अपना घर देने और उनके सिर को ढकने के लिए भी उनके पास एक पक्की छत हो, इस योजना के अंतर्गत इन्हें भी लाभान्वित करने की कार्रवाई हो रही है। और जैसे बताया गया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 1,30,000 रुपए आवास के लिए, 12,000 रुपए शौचालय के लिए उन्हें उपलब्ध कराया जाता है और मनरेगा की मजदूरी वे लोग करना चाहेंगे तो 90 दिन तक की मजदूरी का लाभ भी उन परिवारों को उपलब्ध कराने की कार्रवाई हो रही है। साथ साथ शेष अन्य जनपदों में हम लोगों के द्वारा 1,20,000 रुपए प्रधानमंत्री आवास के लिए, 12,000 रुपए शौचालय के लिए और साथ साथ 90 दिन की मनरेगा की मजदूरी के बराबर मजदूरी का लाभ भी उन्हें आवास बनाने के लिए इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराया जा रहा है। ये योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी की 2022 तक हर परिवार के पास अपना आवास उस आवास योजना का एक हिस्सा है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से देश और दुनिया में भारत की एक जो नई छवि प्रस्तुत की है, एक समर्थ और सशक्त भारत तो होगा जब भारत में बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचेगा। और यही 5.5 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को दिया कि आवास सबको, बिजली सबको, उज्ज्वला योजना सबको, शौचालय सबको, आरोग्य की सुविधा सबको, राशन की सुविधा सबको, रोजगार की सुविधा सबको और सुरक्षा भी सबको। हम लोग जाति मत मजहब देख करके, चेहरा देख करके योजनाओं का लाभ नहीं देते हैं। विकास सबका लेकिन तुष्टिकरण किसी का नहीं, इस लक्ष्य को लेकर जो कार्यक्रम आगे बढ़ा है उस कार्यक्रम का हिस्सा आज यह कार्यक्रम है। आज के इस अवसर पर मैं आदरणीय राम नाईक जी का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं कि वे इतनी भीषण शीतलहरी में लखनऊ में आए। कहते भी 5 वर्ष तक उनका मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश वासियों को प्राप्त हुआ और बहुत अच्छे ढंग से हर कार्यक्रम में उनकी सहभागिता, लोगों को उनका सानिध्य प्राप्त होता रहा। उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा।